हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और आज फिर एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम आपको बताएंगे 10 ऐसे वेजिटेबल्स, 10 ऐसी सब्जियां जो कैलोरी में कम होती हैं, जिसमें कैलोरी कम होता है और फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है। वेट लॉस के इस सीरीज में, वेट लॉस का जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं, उसमें हमने कई तरह के वीडियो बनाया। साइकिलिंग से क्या बेनिफिट है आपको, वॉकिंग से क्या बेनिफिट है, कौन सा ड्रिंक लें, कौन सा मिठाई नहीं खाएं, तो उसी सीरीज में आज ये वीडियो आपको मैं दे रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अंत तक देखिएगा, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करिएगा, कुछ कमेंट जरूर करिएगा। और हेल्थ संबंधी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। हमने जो भी एक महीना से वीडियो आपको दे रहा हूं, वो वीडियो सभी वेट लॉस पे के लिए है। कैसे हम वेट को लॉस करें, अपने वजन को कैसे कम करें, खुद हमने इस फॉर्मूला को अपना के, इस सूत्र को अपना के, कुछ एक्सरसाइज करके, साइकिलिंग करके, एरोबिक्स करके, आपको कार्डियो एक्सरसाइज करके और डाइट को मैनेज करके, आपको बता दूं 18 किलो वजन हमने खुद घटाया है। आप प्रीवियस फोटो देख सकते हैं, पहले के जो भी मेरा वीडियो है उसमें मेरा वजन आप देख सकते हैं। वजन को कम करने का जो सबसे बेसिक फंडा है वो है कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना, आपको एनर्जी डेफिसिट क्रिएट करना। आप जो लेते हैं और जो आपका खर्च है, दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट करना, ताकि वो गैप जो एनर्जी की जरूरत है शरीर के लिए, वो आपको फैट के द्वारा मिले। जो आपके शरीर में फैट डिपॉजिट है वो टूटे और उसी से आपको एनर्जी मिले। और जब फैट टूटेगा तो आपका वजन कम होना ही होना है, यही फॉर्मूला है। और एक और फॉर्मूला है कि जब आपका 1 किलो फैट अगर आप कम होगा तो 7000 कैलोरी आपको खर्च करनी होगी, 7000 कैलोरी के डेफिसिट क्रिएट करना होगा। जब 7000 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा तो आपका 1 किलो वजन कम हो जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए सब्जी खाना होगा आपको, फूड की क्वालिटी को आपको मेंटेन करना होगा, न कि क्वांटिटी को। ये नहीं कि आपको क्वांटिटी घटा लेना है, बस क्वालिटी को चेंज कर देना है। जैसे आप अगर 300 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट फूड्स लेते हैं जो रिच इन कार्बोहाइड्रेट हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं हो, तो उसको चेंज करके आपको 300 ग्राम वेजिटेबल्स पे आना होगा, 300 ग्राम फ्रूट्स पे आना होगा, जिसमें हाई अमाउंट में फाइबर हो और लो अमाउंट में कैलोरी हो। लो अमाउंट में कैलोरी हो, हाई अमाउंट में जन ज्यादा मात्रा में आपको फाइबर हो, जो देर से पचे और आपको वजन घटाने में सहायक है। एज एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर देते हैं, अगर 100 ग्राम अगर आटा खाते हैं, 100 ग्राम आटे की अगर रोटी खाते हैं तो आपको 400 कैलोरी मिलता है। लेकिन वहीं अगर 100 ग्राम कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स आप खाते हैं, चाहे तरोई हो, नेनुआ हो, लौकी हो, आप पपीता हो, कॉलीफ्लावर हो, कैबेज हो, जो भी आप ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं, ये 20 रुपए वाली सब्जी होती है, यानी इसमें 20 कैलोरी होता है। तो आप मान लीजिए कि देखिए 100 ग्राम अगर आप गेहूं की रोटी खाए तो 400 कैलोरी, 100 ग्राम सब्जी खाए तो आपको 20 कैलोरी, दोनों में 380 कैलोरी का डेफिसिट हुआ। मतलब 380 कैलोरी के आसपास आप कम लिए, अमाउंट उतना ही लिए, यही 300 कैलोरी ऐड होते होते आप एनर्जी डेफिसिट को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले अब आज जो बताने जा रहा हूं वो 10 ऐसी सब्जियों के विषय में जिसमें हाई फाइबर होता है, यानी 5 से लेकर 20 ग्राम तक पर 100 ग्राम में आपको फाइबर होता है और कैलोरी सबसे कम होता है। जिसमें सबसे पहला है तरोई, जिसमें आपको 20 कैलोरी मिलता है। बॉटल गार्ड, जिसको हम लोग लौकी बोलते हैं, उसमें आपको 15 कैलोरी मिलता है। आपको ककंबर 15 कैलोरी मिलता है, यानी खीरा में 15 कैलोरी मिलता है। कैबेज यानी बंधा गोभी में आपको 15 कैलोरी मिलता है। टोमेटो, आप एक टोमेटो लेते हैं 100 ग्राम टमाटर तो आपको 15 कैलोरी मिलता है। फ्रेंच बीन्स जो लेते हैं उसमें 100 ग्राम में आपको 15 कैलोरी मिलता है। करेला बीटल गार्ड, इसमें 25 कैलोरी मिलता है आपको पर 100 ग्राम में। कलीफ्लावर यानी फूलगोभी में 25 कैलोरी मिलता है आपको 100 ग्राम में।
और स्पॉन्ज गार्ड यानी नेनुआ बोलते हैं जिसको घेवड़ा भी बोलते हैं, उसमें 30 कैलोरी मिलता है पर 100 ग्राम में। और ग्रीन पपाया यानी सब्जी वाले जो पपीता होते हैं हरा, उसमें 100 ग्राम में 39 कैलोरी मिलता है। और ये सभी सब्जियां आपको हाई फाइबर युक्त होती है, इनमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होता है जिसका अमाउंट भी कम होती है, इसकी मात्रा भी कम होती है। इन सभी सब्जियों में 90% यानी 90% तक वाटर होता है, 5% तक फाइबर होता है और 5% आपको कैलोरी मिलती है आपको। तो आप इसी से आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये ग्रीन वेजिटेबल्स वेट लॉस करने में, वजन को कम करने में, वजन को स्थिर करने में कितनी सहायक होती है और कितनी बेनिफिशियल होती है, कितनी लाभदायक होती है। और एक और जो लास्ट का आपको बोनस बेनिफिट इन ग्रीन वेजिटेबल्स का है कि अगर आप रेगुलरली ग्रीन वेजिटेबल्स पे हैं तो आपको एडेड कोई भी विटामिन लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इन सब्जियों में विटामिन ए, विटामिन बी का पूरा रेंज विटामिन बी का मिलता है, विटामिन ए मिलता है। और इसमें थोड़ा सा आप अगर कोई भी साइट्रस फ्रूट ऐड कर दिए तो विटामिन सी भी साथ में मिल जाता है। तो ये लास्ट वाला सेगमेंट आपको बोनस टिप्स के रूप में था दोस्तों। अगर वजन आपको कम करना है, वजन को स्थिर करना है, तो आपको हाई अमाउंट में आपको हरी सब्जियां साग खाना होगा, ग्रीन वेजिटेबल्स लेना होगा, फ्रूट्स को ऐड करना होगा। अगर आप टोटल एक थाली को सेट करते हैं खाना खाने के लिए, एक पूरा मेन्यू सेट करते हैं आपको लंच हो या डिनर हो, तो उसमें आपको 50% अगर हम गोल पूरे राउंड में अगर थाली को बनाए तो अगर 50% आपको हाफ जो है ग्रीन वेजिटेबल्स पे जाना होगा, 30% अगर काट दें आपको तो आपको 30% आपको सलाद पे जाना होगा, 20% से लेके 40% तक आपको दाल में जाना होगा, ओनली 20-30% आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और मल्टीग्रेन आप आटा से रोटी या आप हाई फाइबर राइस ले सकते हैं। और इसमें आपको कोई भी प्रिजर्व फूड और प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है। तो इस बातों को ध्यान में रखकर आपको अपना वजन कम करना होगा, और वजन कम करना है तो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स लेना होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको कुछ जानकारियां दी हैं ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए, वजन कैसे कम करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर लगता है कि इस वीडियो में कुछ जानकारी आपको नहीं मिली है या मैंने आपको गलत जानकारी दी है तो इस वीडियो को डिसलाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि ये वीडियो अच्छा है या नहीं है। और आपके मन में किसी तरह का प्रश्न हो तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीजों के विषय में बताया गया, और आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो भी वेट लॉस का वीडियो है इस सीरीज में, आप उस वीडियो को देख के कहीं आपको लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है तो हमारे वीडियो को डिसलाइक जरूर करें। धन्यवाद।